गुड मॉर्निंग गाइस, आज तो मेरा चीकू का बर्थडे है ना, और ये भी उठ गया अभी, मतलब अभी ना 5:30 ही कुछ हो रहा है, 5:30 बजे, और ये भी उठ गया मम्मा के साथ साथ। हैप्पी बर्थडे मेरी जान। बस बारिश हो रही है आज भी यार, जो सोचा था ना वो होता नहीं है लिटरली यार, मतलब इतना बड़ा कुछ फंक्शन करने की सोचा था और पता नहीं, मतलब ना बारिश आ रही है, दिमाग खराब कर नींबू खा रहा है। तो बारिश हो रही है, वैसे तो हमने वेन्यू चेंज कर लिया, बट आने वाले गेस्ट भी कैसे आते हैं पता नहीं यार, तो बस वही है। बाकी हैप्पी बर्थडे गीता, तो बस आज का ही दिन था, मतलब मॉर्निंग तक तो कुछ साइन ही नहीं था कि ये मेरा भेदू मेरे पास आएगा, बस रात को हुआ था ये आज के दिन 8:30 बजे। हाँ अभी तक तो तू आया ही नहीं था मम्मा के पास। हाँ ये साल भर ऐसा गया ना एक साल। दंग जाओ ऐसे गिरते पड़ते मत आओ। चीकू आज तो पंखा बिल्कुल स्लो पे चल रहा है फिर भी ठंड लग रही है, बाप रे इतनी ठंड सी हो रही है ना, बिकॉज बारिश होते 2 दिन हो गए यार। हैप्पी बर्थडे। अरे मैं को विश कौन करेगा सुबह जल्दी उठ के, हैं इसलिए उठना पड़ा, अब आपके जल्दी सो गया, ये जल्द से 5:30 6 बजे सोई था, अब उठी। हां बेटू दादी कहती है, हां हैप्पी बर्थडे है ना, मैं नहीं आ पाई दे ऐसे ऐसे आओ ऐसे ऐसे पिछरो भाई रोज शूज लेने गया था क्या तू? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बोलते है ना एग्जैक्ट 1 ईयर पहले की फीलिंग्स तो मैं बयां भी नहीं कर सकती यार लिटरली, और ये 1 साल कैसा गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, एक मम्मा जो होती है बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी देखती है इस टाइम पे ना, कभी आपके इमोशंस बहुत हाई लेवल पे होते हैं, कभी आप डिप्रेस्ड होते हो, कभी आप बहुत खुश होते हो, कभी आई कांट से, मतलब होता है ना, हर मदर रिलेट कर सकती है इस फीलिंग से। इट्स टोटली वर्थ जो भी था, डिप्रेशन था, टेंशन थी, या इमोशनली आप वीक थे, सब कुछ वर्थ है बच्चे को देख के ना, एवरीथिंग इज वर्थ सीरियसली। मतलब चलो अभी के लिए तो मतलब जो भी बिस्तर वगैरह उनको ठीक करते हैं एंड देन आई विल मीट यू। नहा धो के तैयार है, तैयार इन द सेंस बस दिन का ये आउटफिट पहना है, सारा फंक्शन जो है 2 या 3 बजे तक स्टार्ट होगा, तब फिर चेंज करेंगे, तब फिर सारा कुछ करेंगे। अभी मैंने और नित्या ने ट्यूनिंग करी है, रेड कलर पहना है, बाकी अभी जो है मंदिर जाना है, मनीष वहाँ पे अरेंजमेंट्स देख रहे हैं सारे वेन्यू पे, मेरे जो भी कैटरिंग वगैरह है सारा सब कुछ आ गया है वहाँ पे ना, डेकोरेशन और सब कुछ स्टार्ट होगा तो उसी का सब चल रहा है अभी, तो वो वहीं पे अरेंजमेंट्स देख रहे हैं, बाकी दो जो है अभी तैयार होके मैंने उनको बोला है कि आ जाओ थोड़ी देर के लिए, हम लोग मंदिर जाएंगे तीनों, जो अभी मम्मी वगैरह सब नहा रहे हैं, सब ऐसे रेडी हो रहे हैं, बेसिक सी ये वाली साड़ी पहनी अभी दिन के आउटफिट के लिए, बाकी सब लोग इधर उधर हैं, खाना नाश्ता अभी करेंगे थोड़ी देर में, पहले मंदिर जाके आऊँगी मैं, ब्लेसिंग्स लेके आएंगे भगवान की, सारा काम सब कुछ अच्छे से हो,
और बस इसीलिए उनको आने में टाइम लग रहा है एक्चुअली, वहाँ पेरेंट्स में देख रहे हैं आगे। आज तो अभी तक तो सब कुछ बेसिक है, नेल पेंट लगानी है, सारी तैयारियां करनी है दिन के लिए। तो 12 से पिंक वगैरह ने बोला है कि 3 बजे तो हम स्टार्ट ही कर देंगे, और आज प्रॉपर रिचुअल्स दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ जब कोई भी फंक्शन होता है तो क्या क्या रिचुअल होता है। तो सब कुछ कवर करने की कोशिश करूंगी मैं, नहीं तो या किसी और से करवा लूंगी, बट आई विल ट्राई। किचे कल है मुई के पहनी पे आ चुके हैं, मैंने अभी के लिए ये वाली बंदेज वाली साड़ी पहनी है थोड़ी सी देर के लिए, जस्ट बिकॉज थोड़े से रिचुअल्स होने हैं। सब लोग बाहर बैठे हैं, मैं बस अपनी साड़ी सेट करवा रही थी, ये सीधे पल्लू की है और हैवी है ना, तो मुझसे बहुत मुश्किल होती है सेट करने में, तो बस वो गई है पिंस वगैरह लेने। मैंने सोचा थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिल रहा है मुझे ना कि मैं शूट कर पाऊँ, तो मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ। बाहर जो है सब गाना बजाना हो रहा है, जो बर्थडे के जो गीत गाए जाते हैं वो सब चल रहा है। मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ना, लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है कि फर्स्ट फंक्शन है जो मैं कर रही हूँ और मेरी तरफ से हो रहा है, और वो भी सबके बीच में है। मतलब सीरियसली इट्स अमेजिंग, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। और बस अभी सेट करते हैं साड़ी और फिर बाहर, मैं खुद तो नहीं कर पाऊँगी बिकॉज ऑफ थोड़ा बिजी वाला चीज़, तो मैं शूट करवाऊंगी किसी से भी, बट आपके साथ में सारा कवरेज मैं शेयर करने वाली हूँ सब कुछ ना। तो बस ये सेट हो जाए फिर मिलते हैं, देखना क्या 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 रिचुअल्स होते हैं हमारी साइड में और कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो जो सबसे पहला रिचुअल है वो ये है हमारी तरफ, जो है मेरा फंक्शन है तो फिर मैं जो है सिर पे कलश लेके जा रही हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं कांकड़ बनवाना। आगे आपको पता चलेगा वहीं पे क्या क्या रस्म होती है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि वो रस्म चल रही है। और मैं जा रही हूँ अपने मायके वालों के पास में, वो थोड़ा दूर खड़े होते हैं वेन्यू से, फिर वहाँ पे जाके ये सारा रिचुअल पूरा करना होता है। तो देखो आगे क्या क्या होता है। वहाँ से आने के बाद मैं नेक्स्ट ये रस्म होती है, यहाँ पे ये चोक लगा के कलश रखा जाता है, इस रस्म को हम लोग बोलते हैं चोक पूजना, चोक पे बैठना बेसिकली। फिर जैसे मैं और नित्या बैठे हैं, हस्बैंड बैठे हैं, तो फिर यहाँ पे सब लोग बारी बारी से जो भी कुछ लेके आए होंगे, जैसे कपड़े होते हैं, पैसे होते हैं बच्चे के लिए, जो भी अपनी सब कुछ लेके आते हैं, तो फिर वो सब उड़ाते हैं। अब यहाँ पे जतन है वो सब मेरे ससुराल वालों के लिए, जो भी मेन है उनके लिए कपड़े लेके आए होंगे मेरे मायके वाले, वो सब वैसे उनको एज अ गिफ्ट वो सब देते हैं। तो ये वही रस्म चल रही है, आप देखो आगे किस तरीके से होती है।
हम पहरावनी बोलते हैं जो कपड़े वगैरह चौक पे बैठते हैं, कपड़े पहनाते हैं सब, उससे जस्ट फ्री होके हम लोग आए हैं भोग लगाने ताकि खाना स्टार्ट हो सके। फिर मैं इधर से ही ड्रेस चेंज करती हुई निकलूंगी, नित्या को भी, फिर हमारा जो भी बर्थडे का इवेंट है केक वगैरह का वो स्टार्ट करेंगे। मेहरा कर दी खाली रियानू तू अखियां जावे ओ पाप देखा तू जगाया है तेरी जोता अकबर के राजे का सीज चुकाया है उनके पास है। तो अभी परिक्रमा लगा रहे हैं माता जी की, और इस साड़ी ने इतना परेशान कर दिया, 10 बार गिरते गिरते बची होगी भाई। अरे राम, ये सीधे पल्लू की साड़ी बिल्कुल नहीं संभलती मेरे से। चौक पे से उठने के बाद में सारे भाई, जितने भी कजन्स वगैरह होते हैं, मामा के, चाचा के, जो भी भाई होते हैं आपके, उनके सबकी आरती करनी होती है। तो मैंने यहाँ पे अपनी ड्रेस ऑलरेडी मैं चेंज करके आई थी, ये वाली साड़ी मैं पहन के रखी है मैंने, और अब मैं जो है भाइयों को आरती कर रही हूँ। सबको तिलक लगा के तोलिया देना, पैसे देना, एंड देन सबकी आरती करना। ये जो कंधे पे साड़ी डाली हुई है ये मेरे मायके की साइड से आई हुई है, तो वही मायके की साड़ी या तो आप पहन लो या फिर अपने ऊपर इस तरीके से डाल के फिर सबकी पूजा करनी होती है अपने भाइयों की। तो इस तरीके से मैं कर रही हूँ, देखो आगे कैसे क्या होता है। इसके बाद में पूजा करने के बाद में सबसे आपको अपने मायके वालों से मिलनी करनी होती है, जैसे मिलना होता है गले मिलना या फिर जैसे भी, आप आगे देखते जाओ किस तरीके से ये रस्म होती है।
वगैरह सब खत्म हुआ, सब कुछ फिनिश हो गया, सारा टेंट हाउस का काम सब कुछ, सारे गेस्ट चले गए। अब हम लोग जा रहे हैं घर पे। बहुत कुछ कवर नहीं कर पाई मैं, बट जो फोटो वाली वीडियोस आएंगी ना वो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। बट बस अब हम पहुंच रहे हैं घर पे, सारे सामान आगे लोड हो रहे हैं, बस घर घर वाले ही हैं। तो बस पहुंच रहे हैं घर पे। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स द नेक्स्ट डे 9th of October। हम बस अभी घर से निकले, 10:30 हो रहा है ऑलमोस्ट, और बस अब घर से निकले, थोड़ी देर बारा रुकना है, थोड़ी देर मतलब जिनका जो भी था डेकोरेशन वालों का, खाने वालों का, सबका हमें हिसाब निपटाते हुए एक एक करके निकलना है। ये देखो तो इसलिए निकलते निकलते लेट हो गया, और रात को तो इतना मतलब ऐसा सामान वामान सब इतने फैले पड़े थे, लग रहा था कि यार देखो कैमरे को देख के और कर रहा तो रात को तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला, मतलब कोई बातें कर रहा था, कोई ये सब सेट कर रहे थे सामान वगैरह, तो ऐसे। तो बस चलो जी, ये था एक छोटा सा जितना भी मैं शेयर कर पाई, बिकॉज फंक्शन होता है ना तो आप उतना व्लॉग नहीं कर पाते हो, और किसी से करवाते हो तो फिर वो बात नहीं रहती जो आप करते हो। तो बस अब निकल गए घर से, हो गया नित्या का बर्थडे सेलिब्रेट, तो बस चलते हैं। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलेंगे नेक्स्ट अमेजिंग व्लॉग के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।